यहाँ तक हमने कर लिया काम और अब हम बनाएंगे जनाब, क्या ड्रॉ करता हूँ मैं आपको ये, ताकि आपको दिखाने के लिए करूँ। ये हमने बनानी है, ये देखेंगे ठीक है। अब क्रिएट गिग पे हमने क्लिक करना है, ओके। इसके ऊपर ड्रॉ पे क्लियर करें, इसको दोबारा क्लिक कर दें। क्लियर कहाँ से होना है, इसने क्लियर ऑल, ठीक है। अब इसको जूम कर लें, इस पर क्लिक करें, नहीं हो रहा, इस ड्रॉ को ख़त्म करें, अब क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्लिक कर दें, लेकिन वो ड्रॉ करने के चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं इसलिए जूम ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, पब्लिश, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले ओवरव्यू पे फोकस करेंगे। देखें, साथ साथ गाइड किया हुआ है आपको, एक एक चीज़ गाइड की हुई है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि पढ़े लिखे लोगों के लिए मसला होना चाहिए कि गिग आपने स्टोर फ्रंट योर टाइटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, तो अब आपने इंपॉर्टेंट प्लेस पे ये वाला ऐड करना है। तो क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, डू प्रोफेशनल पे आएँ ज़रा, और इसकी सर्विस में क्या लिखा हुआ, आई विल डू प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन फॉर प्रिंटिंग प्रोडक्ट एंड सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया तो कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, फ्लायर डिज़ाइन में हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या लिखा है, प्रोफेशनल फ्लायर फॉर योर बिजनेस, ठीक है। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल फ्लायर, ठीक है। आई थिंक मुझे ये लिखना चाहिए, और जितनी हो कोशिश आपका जो मेन कीवर्ड है वो आई विल क्रिएट प्रोफेशनल फ्लायर, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल फ्लायर डिजाइन फॉर एनी सोशल मीडिया, ठीक है, फॉर एनी सोशल मीडिया। और यहाँ पे प्रोफेशनल के स्पेलिंग ठीक कर दें, मेरे ख्याल में तो काफ़ी है, ठीक है। प्रोफेशनल अगर आपने नहीं भी लिखना तो आप, ठीक है, आई विल क्रिएट फ्लायर डिज़ाइन फॉर एनी सोशल मीडिया, ताकि आप हमारा जो फ्लायर डिज़ाइन का कीवर्ड है वो टॉप पे आए और उसको फाइवर को पहचानने में परेशानी ना हो, कोशिश यही करें। प्रोफेशनल अगर आपने कहीं यूज़ किया तो फिर ठीक है, नहीं तो बार बार मेरा ख्याल वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको वो वैसे दिखा रहा है, ये देखें नीचे उसने आपकी वो कीवर्ड की बेस पे ये डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी फ्लायर डिज़ाइन। अब आप फॉर्मेट किस किस टाइप के देंगे आप, फ्लायर, डोर, मीडिया, नहीं, ठीक है जी, तो मीडिया किट कर देता हूँ मैं, ठीक है। दो फॉर्मेट के मैं आपको फ्लायर्स दूंगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू डिज़ाइन, ठीक है, और फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, मैं सारे ही फॉर्मेट प्रोवाइड करूँगा, नो प्रॉब्लम। इलस्ट्रेटर पे भी, JPG भी, PDF भी, PNG भी और फोटोशॉप भी, फोटोशॉप की फ़ाइल भी दूंगा, इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी दूंगा, मुझे सीखने में मसला ही नहीं आएगा। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, किसके ज़रिए ये भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना के दूँ फोटोफिया के ऊपर। तो मैं यहाँ पर हर किस्म की फ़ोटो डिज़ाइन एडिट काम कर सकता हूँ, एडवांस इमेज एडिटर, ठीक है, ये बेहतरीन है, ऑनलाइन एडिटर है, सपोर्टिंग PSD, सारी फाइल्स को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, तमाम फाइल्स को, कोरल ड्रा की फाइल को भी सपोर्ट करता है। ये नीचे देखें, AI की फाइल भी, इलस्ट्रेटर फाइल भी है, PSD फाइल भी है, XD फाइल भी है, और जोन जोन सी फाइल आप सोचेंगे वो सारी फाइल्स ये सपोर्ट करता है, एनी, क्या लिखा हुआ है, एनी फाइल। तो ये बेहतरीन टूल है, बजाय इसके कि इंस्टॉल करके मैं लिमिटेड हो जाऊं, मैं ऑनलाइन काम करके ज़्यादा वर्किंग कर सकता हूं, ठीक है। नेट तो हमारे पास पैकेज लगे ही होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे दो टूल हो गए, इसको भी मैं ख़त्म करता हूं, इसको भी ख़त्म करता हूं, वापस आता हूं, यहां पे आ गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स, एंटर सर्च टर्म यू फील योर ब्रायर विल यूज़ व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस, या वो आपकी सर्विस को देखना चाहे तो वो क्या कीवर्ड सेलेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ, या आप अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमने क्या सर्च किया था, फ्लायर डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस, फ्लायर डिज़ाइन, फिलर डिज़ाइन, नहीं, ये वाला जो है ना कीवर्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक, कि ये हो सकता है कि वो यहाँ से ये सिलेक्ट करे। मैंने कीवर्ड लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, दैट्स इट। यहाँ से फिर वापस आया, यहाँ से ये कीवर्ड लिया, जो कीवर्ड आ रहे हैं मैं वही कीवर्ड फोकस कर रहा हूँ, पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, दैट्स इट, वापस आया और
ब्राउशर डिज़ाइन, ठीक है, मैं यहाँ से ब्राउशर डिज़ाइन को कॉपी करके लेके जाऊँगा। ब्राउशर डिज़ाइन वापस आया, पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, हैं सेम ही है, ब्राउशर और फ्लायर सेम ही होते हैं क्या? नहीं नहीं सेम कहाँ है, स्पेलिंग चेंज है, स्पेलिंग चेंज है बच्चे दोनों में। वो उसके जो कीवर्ड उधर सर्च में आ रहे हैं मैं वो फोकस कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। और इसके अलावा है क्लब फ्लायर, ठीक है। अब मैं मोशन फ्लायर को लेता हूँ ताकि अगर वो इसको सिलेक्ट करे तो मेरी सर्विस जो है वो आनी चाहिए। ये लो कंपटीशन के कीवर्ड भी मैंने उठा लिए, हाई कंपटीशन के भी उठा लिए, लो कंपटीशन, लो कंपटीशन का कैसे पता लगा मुझे? जो नीचे ज़्यादा कीवर्ड होते हैं वो लो कंपटीशन के ही होते हैं। रेस्टोरेंट फ्लायर, ठीक है, जिसका ज़्यादा काम मुझे मिलेगा मैं उस पर ये करता हूँ। अब मैंने इनमें से एक एक फ्लायर जो है ना वो ऐड करना है अपने थंबनेल के ऊपर, अपनी वीडियो के ऊपर। ये मैंने 5 कीवर्ड लगा दिए, ठीक है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। दैट्स इट, सेव हो गया। अब ये मेरे पास एक हिस्सा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट पैकेजेस अप्लाई करूँगा, पैकेजेस में मैं इसको फॉलो करूँगा फिर दोबारा से। यहाँ पे मेरे पास है जी फूड मेन्यू फ्लायर्स, इसको मैंने, ये तो फूड मेन्यू में चला गया मैं, जहाँ से जो कीवर्ड आप लगाएंगे। मैं फ्लायर डिज़ाइन पर आता हूँ, फ्लायर डिज़ाइन पर आया और यहाँ से देखता हूँ मैं कोई एक न्यू सेलर कर दूँ ताकि मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाए। न्यू सेलर कर देता हूँ और यहाँ से ये वाला जो है मैं पैकेज उठा लेता हूँ, ठीक है। इसने कब की बनाई हुई है सर्विस, ये देखें, चेक करें, जून 2022 का मेंबर है ये और बेहतरीन है। और यहाँ पे ये मैंने इसका तरीका वैसे बहुत पहले बताया था, शायद वीडियो नहीं बनाई थी उसकी। अभी मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि फाइवर पे आप अच्छी सर्विस कैसे फाइंड कर सकते हैं। बताया भी था लास्ट टाइम शुरू शुरू में, तो वो याद नहीं आपको, खैर हाँ फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अच्छा बहरहाल यहाँ पे आ गया मैं और यहाँ पे बेसिक पैकेज मैंने वही काम कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते जाएँ और अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है तो कर दें, फ्लायर आर पोस्चर, ठीक है, पोस्चर की जगह पे ब्राउशर कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्या कर दिया, ब्राउशर, ब्रशेस कर दिया इसने, ओहो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अच्छा जी यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे यही रहने दें या, ठीक है बस, ठीक है। फ्लायर प्रिंट रेडी वन साइड्स, ठीक है, इसको ज़रा छोटा कर लें और इसके बाद डिलीवरी टाइम इसका कर दें 1 डे। और ये इधर से देख सकते हैं आप, इसने 1 डे रखा है, अनलिमिटेड रिवीजन रखी है, ठीक है, रिवीजन कितनी रखी है जनाब, अनलिमिटेड रिवीजन है। और यहाँ पे आप बाकी कुछ भी नहीं आप सिलेक्ट करेंगे, ये एडिशनल सारा कुछ बंद कर दें, मैं एडिशनल कुछ भी नहीं दे रहा इसमें, जस्ट एक प्रिंट रेडी जो है वो फ्लायर दे रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। प्राइस उसकी देनी है आपने जस्ट $5, वो कितनी ले रहा है, वो ले रहा है 2000, जबकि हम बहुत सस्ती ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, $5 रेट रख दिया और प्रिंट रेडी होगा वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैकेज मैंने यहीं से उठाया, इसी का कॉपी किया दोबारा से। आप हेल्प ले सकते हैं ना यहाँ से, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कौन कौन से सोशल मीडिया, कोई बात नहीं, मैंने सोशल मीडिया अकेला कर दिया, सोशल मीडिया स्टोरी पोस्ट इवेंट कवर, ठीक है। और ठीक है जी, डिलीवरी टाइम इसका 1 डे, अनलिमिटेड रिवीजन, और साथ में प्रिंट रेडी होगा, सोर्स फाइल भी दूंगा और फ़ोटो एडिट भी अगर उसकी करनी है तो वो भी कर दूंगा, सोशल मीडिया के डिज़ाइन भी दूंगा और प्राइस सिर्फ लूंगा मैं $10। अब लास्ट पैकेज में मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कौन सा पैकेज है, प्रीमियम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया VIP पैकेज। इसमें मैं हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो जो वो मांगेगा,
क्या कह रहा है, प्रीमियम फ्लायर आर पोस्टर ऑल फाइल्स वीआईपी सर्विसेज बेस्ट पैकेज फॉर यू, फाइल्स बेस्ट सर्विसेज एंड पैकेज फॉर यू। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पे डिलीवरी टाइम कितना रखा है उसने, वन डे, इसका भी वन डे ही रखा है, तो हम भी रखते हैं वन डे ही, और अनलिमिटेड रिवीजन रखेंगे और ये सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका रेट जो है वो हम रखेंगे हाई, ताकि इस पर अगर कोई आए तो ज़रा ध्यान से आए, क्योंकि हमने पंगा ज़्यादा ले लिया है, अल्लाह खैर करेगा। ये सेव एंड कंटिन्यू कर लें, तो हमारा एक जो है वो और काम हो गया है ये वाला। अब हमारा रह गया जनाब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन सबसे अहम। अब इसने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ज़रा देखते हैं, प्रोफेशनल फ्लायर और पोस्टर डिज़ाइन सर्विस। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, ये ख़त्म कर दिया, फ्लायर डिज़ाइन सर्विस कर दिया। ठीक है, और वापस आया और यहाँ पे, अच्छा ये इसने पता नहीं क्यों लिखा है, वो तो उधर बता दिया उसने सारा कुछ, यहाँ इसने मेरे ख्याल में बस अपने हिसाब से लिखी है। ठीक है, उसने अपने हिसाब से लिखी है, बहरहाल वो भी अच्छा है, उसने कहा कि इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, तो हम भी वही कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन कॉपी करता हूँ मैं, माई सर्विसेज, माई सर्विसेज लिखा मैंने और ये लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन कॉपी की, ये पेस्ट की। ठीक है, और ये मैंने किया, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने इधर ला के पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये मैंने सारा एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है, इससे आपने बचना है। अब इसका हल क्या था मेरे पास, मेरे पास था कोइलबॉट, लेकिन यहाँ पे चूंकि फाइल के फॉर्मेट ही सिर्फ बताए हैं उसने और कुछ नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, थोड़ा चेंज कर दिया और ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, कंट्रोल बी करके हाईलाइट कर दिया, ये भी हाईलाइट कर दिया, माई सर्विसेज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और माई बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ओके जी, ये भी रेडी हो गया काम। इसके बाद हम इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू, दैट्स इट, वेरी गुड। और उसके बाद हमारे पास आ गया जनाब रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट मेरी कोई नहीं फिलहाल, लेकिन लिखनी चाहिए, किसी दिन तसल्ली से वो अलग से बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या, लेकिन वो क्वेश्चन सारे लिखने होते हैं जो क्लाइंट के दिमाग में आ सकते हैं, आप उसके सारे उसके साथ। अब ये बल्कि कुछ और चीज़ है इसमें, ये है कि आपने उसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करनी है। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसे इतना ही कहूँगा कि भाई बस कॉन्टैक्ट कर ले एक दफ़ा, मेहरबानी होगी उसकी, चलें। ठीक है, और ऐड कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। गैलरी में सबसे अहम काम देखें, उसने भी गाइड करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे इमेजेस अच्छे डालना। अब मेरे पास चूंकि मैं एक एक ही इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास फ्लायर डिज़ाइन का कोई इमेज पड़ा होना चाहिए, तो मैं वो कहाँ से बनाऊँगा, तो मैं बनाऊँगा कैनवा से, canva.com पे गया। अब लॉगिन करना है, जो जीमेल मेरी यहाँ लगी हुई है वो उसी के साथ कंटिन्यू कर लेगा, आमना ज़हूर के साथ कंटिन्यू किया उसने, और मैं एक फ्लायर डिज़ाइन ले लेता हूँ। मैंने कौन कौन से डिज़ाइन वहाँ पेस्ट किए थे, इंस्टाग्राम ये वो सारे किए हुए हैं ना। अब यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ जिसका नाम है यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, ये मैंने थंबनेल ले लिया है। अच्छा, इसको मैं ब्लैंक वाले को ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, इसमें से मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा डिज़ाइन पसंद है जिसका बैकग्राउंड मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो नो थैंक्स, मैं ये वाला जो है यूज़ कर लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी ख़त्म करता हूँ।
ग्रो योर बिजनेस डिज़ाइन विद फ्लायर्स, ठीक है, ग्रो योर बिजनेस विद फ्लायर्स, मैंने उसी को यूज़ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ पोस्चर एक अच्छा सा लेके आता हूँ जो कि अट्रैक्टिव हो, तो कोई भी मैं यहाँ पे जाता हूँ और फ्लायर यूज़ करता हूँ, ठीक है, फ्लायर रेस्टोरेंट कर लेता हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट का फ्लायर लिया मैंने, ये मेरे पास एक अच्छा सा फ्लायर है। अब ऑब्वियसली ये पेड है, यूज़ दिस टेम्पलेट, अब वो ट्राई करवा रहा है। अब मैंने देखें यहाँ पे क्या किया, मैंने उसे कहा डोंट वरी, मैंने उसको यहाँ पे खोल के उसके साथ की गेम, स्निपिंग टूल लिया, स्निपिंग टूल लेके मैंने उसे कहा ठीक है आप लगे रहो, मुझे तो ये सिर्फ थोड़ा सा चाहिए। मैंने उसे एक अच्छा सा फ्लायर कॉपी कर लिया, जब मेरा काम बन गया मैंने इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, अपने फ्लायर डिज़ाइन पे आया, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल वी किया और ये मेरे पास फ्लायर आ गया। तो ये आपने पेड एसेट जो है वो फ्री में यूज़ कर लिया। इसको आप थोड़ा सा कर दें, बल्कि इसको थोड़ा सा हटा दें, मेरा ख्याल है कि इसको क्लिक करें, ये दोनों मैंने पकड़ के इसको साइड पे कर दिया, ठीक है, और इसको पकड़ के अब दोबारा से इधर कर दिया, ठीक है, बन गया। इसको शेयर और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, तो आप बहुत जल्दी कैनवा के ज़रिए बड़ा अच्छा सा फ्लायर बना सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया फ्री ऑफ कॉस्ट और इसको अब हम करेंगे यहाँ पे अपलोड, तो हमारी फाइनल गिग जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, ऑलवेज शो इन फोल्डर विद फ्लायर लिखा हुआ नाम आ गया, ये मैंने लिंक इसका कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, ये मेरा आ गया है इमेज, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे आप वीडियो डाल सकते हैं, पीडीएफ डाल सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये बनानी भी सिखाएंगे, और यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारी गिग जो है वो एक्टिव होने वाली है और यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आप यूएस से रहते हैं कि नहीं। मैं यूएस में नहीं रहता, रहते हैं तो आपने टैक्स पे करना है। वेरी गुड, डन, और आपकी सर्विस फाइनली रेडी होगी। अब जो चीज़ें हमने मिस की हैं वो आपने पहले डिज़ाइन की हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसलिए मैं जब भी सर्विस बनाता हूँ किसी को उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें आपने वेरीफाई फ़ोन नहीं किया हो, अपना फ़ोन वेरीफाई करें जल्दी से, नंबर दें, एक मिनट ज़रा मैं फ़ोन वेरीफाई करने के लिए इसको स्टॉप कर लेता हूँ, कंटिन्यू करें। जैसे ही आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाए आपके पास एक सिक्योरिटी कोड आता है, वो सिक्योरिटी कोड आपने इसमें एंटर करना है और आपका वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अपना कोई भी पेट नेम रख लेना है, एलिमेंट्री स्कूल, तो ये आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है, गिग बन चुकी है, फायर और डन, आपकी एक एक्टिव गिग आ चुकी है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने जो ध्यान रखनी है, इसकी सेटिंग्स में जाना है और ध्यान करना है कि आप लाइव हैं या नहीं, ऑनलाइन स्टेटस आपका देखें, ऑफलाइन जा रहा है तो आप ऑनलाइन का स्टेटस अपना ऑनलाइन करें ताकि आपको ऑनलाइन के फ़िल्टर में आप आ सकें। जब ये ग्रीन टिक यहाँ पे लगा हो तो आप इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन हैं, ठीक है, सेव चेंजेस करें और बस। यहाँ से देखें प्रोफाइल में आए वापस, अब आपकी एक सर्विस जो है वो अपीयर हो चुकी है। कोशिश करें कि यहाँ पे आप अपना वो लोगो भी लगा दें। आपने जैसे न्यू क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप न्यू क्रिएट पे जाएंगे, अगर आपने गिग्स चेक करनी है तो गिग्स का ऑप्शन यहाँ पे है, नई गिग बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, वैसी प्रोसेस है, बिल्कुल है वैसा जैसे मैंने वीडियो में सारा बताया, चीज़ें आप अपनी नई डालेंगे, नया तरीका, उसमें हर चीज़ मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूँ। बेस्ट ऑफ लक।